रिमाइंडर थ्योरम और उसके बाद हम सीखेंगे फैक्टर थेरम ठीक है सॉरी ये कफ के लिए मुझे थोड़ा कफ है इसलिए थोड़ा अवॉइड करना ठीक तो, है तो रिमाइंडर थ्योरम व्हाट इज मीन बाय रिमाइंडर थेरम अभी रिमाइंडर पता है कभी भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका आखिरी में जो नंबर आता है तो वो हमारा रिमाइंडर होता है और थेरम आपको पता है थेरम और पॉस्टूल डिस्कस किए थे हमने तो ठीक है जिस चीज को प्रूव किया जाता है उसे हम कहते हैं ठीक है तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है तो हम ज्यादा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो डायरेक्ट क्वेश्चन से क्योंकि हम क्वेश्चन से समझ जाते हैं इजिली ठीक है तो हमारे पास क्वेश्चन है देखो ये इस में क्या करना पड़ता है बेसिकली हमें इस से रिमाइंडर फाइंड करना है किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे कि अगर फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस वट इज यर फाइव एक्स और थ्री एक्स इट इज थ्री एक्स प्लस वन ये हमारा सॉरी <coughs> ये हमारा है क्वेश्चन ठीक है और किससे डिवाइड करना है हमारे डिवाइड करना है बाय एक्स माइनस वन ठीक इस है इससे हमें डिवाइड करना ये बट भाई यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें डिवाइड करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है हम बहुत ईजी टेक्निक से निकालेंगे तो क्या करना है ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हम मानेंगे पी ऑफ एक्स देखो या क्यू ऑफ एक्स देखो क्यू ऑफ एक्स हमको हम मानेंगे इसको अब ये क्यू ऑफ एक्स क्या है मैं बताऊंगा देखो क्यू ऑफ एक्स का मतलब है कि यहां पर कॉमन वेरिएबल ज्यादातर कौन सा है ज्यादातर वेरिएबल कौन सा अलग अलग जगह पर है वह है एक्स तो क्यू ऑफ एक्स मान लिया हमने इस पूरे टर्म को हमने इससे डी कर दिया ठीक है सॉरी तो यहां पर हमें फाइंड करना है रिमाइंडर तो भाई हमारे पास एक चीज है कि मैंने बोला कि इसका जो लास्ट टर्म है उसका अगर हमने अपोजिट साइन किया तो वो हमारा रिमाइंडर होगा मतलब आप सोचिए प्लस वन रिमाइंडर होगा नहीं प्लस वन रिमाइंडर नहीं होगा हमारा रिमाइंडर होगा q ऑफ वन q ऑफ प्लस वन ठीक है ये होगा हमारा रिमाइंडर पर रिमाइंडर हम ऐसे नह, नहीं लिखेंगे अभी जब हमने यहां पर x लिया हमने यहां पर x लिया तो यहां पर सब जगह पर x है तो अगर हम वहां पर वन लेंगे तो x की जगह पर हमारा वन आएगा ठीक है तो ये वन क्यूब माइनस एट एट इंटू वन स्क्वायर यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा साइन चेंज होगी ये जो है ना इसकी साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी तो प्लस बनाएगा या यहाँ पर दो होने दो टू होने दो थ्री होने दो फोर तो उसकी साइन चेंज अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस तो ये वन स्क्वायर उसके बाद ये क्या होगा प्लस थ्री इंटू वन प्लस वन तो ये हमारा फॉल वन का क्यूब दैट इज वन ये स्क्वायर तो वन ही होगा तो ये हो जाएगा माइनस एट प्लस थ्री ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस वन करो ऐड थ्री प्लस वन एड इस फोर और ये फाइव प्लस फाइव और ये कितना आएगा माइनस एट टू तो इसका कितना आएगा देखो यहाँ पर माइनस दिया ठीक है ये कितना है थ्री फोर फाइव और ये माइनस मतलब माइनस थ्री आएगा इसका आंसर तो ये आपका आंसर हो जाएगा मतलब रिमाइंडर जो है ना रिमाइंडर ये आ जाएगा अपना बहुत इजी टेक्निक है बहुत ज़्यादा ईजी देखने ठीक है तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप आपको आप उसको सॉल्व करो बहुत इजी है अगर आपको नहीं समझे तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे ले लो और देखो वरना यहाँ से ही यहाँ से देखो इसके आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हम ठीक है रिमाइंडर थेरम से ज़्यादा इजी फैक्टर थेरम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स इज डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस वन ठीक है तो आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा ठीक है तो इसका आंसर ढूंढते हैं, ठीक है तो हमने क्या किया पी ऑफ एक्स ठीक है पी ऑफ एक्स को हमने माना X minus 8X plus 6, और यहाँ पर एक चीज है कि हम यहाँ पर माइनस वन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है उसके सामने उसका कोइफिशियंट फॉर्म है कोफिशियंट <laughs> फॉर्म मतलब वन से ज्यादा होना चाहिए प्लस वन या माइनस वन से ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पर कोइफिशियंट फॉर्म टू है ठीक है तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट आ जाता है टू तो हमारा अगर कॉन्स्टेंट है तो हमारा एक चीज चेंज होगा देखो मैंने रिमाइंडर क्या बोला था हमारा रिमाइंडर जो होगा ना वो इसका होगा मतलब आ, अगर मैंने बोला पी ऑफ माइनस वन तो ये रिमाइंडर होगा ठीक है पर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि अगर हमें फाइंड करना है वॉट इज रिमाइंडर देन अगर मैंने बोला कि रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन ठीक है तो हमें फाइंड करना है x x फाइंड करना है तो हमने माइनस वन को इधर भेज दिया तो वो वन हो जाएगा और टू को इधर शिफ्ट किया तो वन टू एक्स हमारा रिमाइंडर हो जाएगा ठीक है एक्स हमारा हो जाएगा रिमाइंडर तो मैंने बोल दिया कि पी ऑफ वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस एट फिर उसके बाद वन अपॉइंट टू प्लस सिक्स ये हो जाएगा सॉल्व कर दो तो वन अपॉइंट फोर होगा ये माइनस ये टू वन और टू फोर जा माइनस फोर फोर वन जटी फोर प्लस सिक्स ये क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर तो एड कर दो इनको वन अपॉन फोर प्लस टू ठीक है तो अभी फोर टू जन सॉरी फोर टू एट एंड एट प्लस वन थर्टी नाइन सो नाइन अपॉन फोर ये हो जाता है हमारा रिमाइंडर ठीक ठीक है ओके नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम जो कि होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ रिमाइंडर थ्योरम उसके बाद हम फैक्टर फेरम चालू करें लास्ट क्वेश्चन भाई है तू हर हाँ। है हमारा लास्ट क्वेश्चन डिवाइड पॉलिनोम माइनस एक्स प्लस टू ये हमारा पॉलिनोम है बाय फाइंड रिमाइंडर तो अगर ये हमारा डिवाइजर है ये हमारा डिविडेंट है तो इसका रिमाइंडर फाइंड करो सिंपल है निकालो फोर एक हाँ तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स जो भी है वो है फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इसके बाद यहाँ पर कोई वेरिएबल मतलब कॉन्स्टेंट है अब भाई वन वन को छोड़ के बोलो वन है वो सबको पता है वन को छोड़ के टू है कि नहीं तो हम लिख सकते ऑफ माइनस वन दैट इज इक्वल टू फोर इंटू माइनस वन स्क्वायर ठीक है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको उसके बाद ये माइनस कैसा यहाँ पर ले लो फिर उसके बाद माइनस वन ये एक्स हाँ प्लस टू ठीक है तो ये हो जाएगा क्या फोर इंटू वन वन क्यू क्योंकि ये माइनस वन माइनस माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन यहाँ पर वन आएगा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो ये प्लस वन प्लस टू ठीक है फोर वन जा फोर प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू सेवन तो ये रिमाइंडर आ जाएगा हमारा सेवन ठीक <coughs> है तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर थेरम तो अभी हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज फैक्टर थ्योरम थेरम ठीक है ओके रिमाइंडर थेरम समझ में आ गया है अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करना हम फिर से वीडियो बनाएंगे और इससे ज्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश करूंगा ठीक <coughs> है ठीक है सो नाउ फैक्टर नॉट इट इज फैक्टर फैक्टर थ्योरम अब देखो भाई फैक्टर थ्योरम में क्या निकालना है फैक्टर इजीली पता चल फैक्टर हमें निकालना है फैक्टर तो अगर मैंने आपको बोला कि भाई यहां पर हमें फैक्टर निकालना है पर हम किसी भी चीज को फैक्टर कब बोलेंगे जैसे कि 21, 21 का फैक्टर 7 है तो आप बोलोगे हाँ भाई हाँ। देखो 7 डिवाइडेड बाय 21, किसी भी नंबर को हम किसी नंबर से ऐसे डिवाइड करेंगे जिसका रिमाइंडर जीरो है तो वो होगा हमारा फैक्टर तो सेवन थ्री जान ट्वेंटी आएगा ठीक है इसका रिमाइंडर क्या है जीरो अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो वो नंबर हमारा हो जाएगा फैक्टर ये आपको पता होगा ठीक है तो जैसे सेवन ट्वेंटी वन का फैक्टर है बट ट्वेंटी वन सेवन का फैक्टर नहीं वैसे ही हमारे पॉलिनोमियल में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि ये फैक्टर है या नहीं देखो एक्स क्यूब प्लस क्या इसका फैक्टर ये है x माइनस वन क्या इसका फैक्टर है <coughs> ये हमें फाइंड करना है ठीक है सिंपल टेक्निक है सिंपल टेक्निक है तो देखो क्या करना है हमें हम क्या लेंगे ये पी ऑफ एक्स ले ये पी ऑफ एक्स है इसको मैंने मान लिया पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस यहाँ पर लेट लगा सकते हो आप लेट पी ऑफ एक्स ठीक है तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का किसी भी नंबर का रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो वो उसका फैक्टर बन जाता है क्या बन जाता है फैक्टर तो अगर मैंने यहाँ उस चीज को यहाँ पर शिफ्ट किया तो मैंने क्या बोला कि अगर ये हमारा रिमाइंडर होगा ये अगर हमारा रिमाइंडर होगा तो ऑब्वियसली हमारा ये जो एक्स माइनस वन है तो ये हम फैक्टर बन जाता है इसका तो मैंने क्या लिया और हमने इसके पहले जो क्या एक मेथड सीखा हो क्या है रिमाइंडर थ्योरम तो उसके अंदर हम इसका अपोजिट साइन लेंगे तो पी ऑफ वन दैट इज इक्वल टू वन क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस वन यहाँ पर वन लेना था इंटू वन माइनस फाइव सो वन का क्यूब दैट इज वन प्लस फोर तो ये क्या होगा फाइव माइनस ये प्लस और प्लस माइनस मतलब ये हो जाएगा जीरो सो पी ऑफ माइन पी ऑफ वन दैट इज इक्वल टू जीरो और और अगर किसी भी नंबर ये जो नंबर है पी ऑफ वन अगर ये जीरो आता है इसका मतलब ये, इसका रिमाइंडर है जीरो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो देयर फोर देयर फोर x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस ठीक है समझ रहे हो इतना सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है सेकेंड <coughs> क्वेश्चन में भी हमें फाइंड करना क्या ये फैक्टर है या नहीं व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वाल जाए हमें फैक्टर फाइंड करना है क्या एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स अपॉन थ्री प्लस फोर एक्स माइनस फाइव फैक्टर और नॉट <Coughs> ये फैक्टर हो भी सकता है या नहीं हो सकता ठीक है ठीके? वो हमें फाइंड करना है अभी तो हमने मान लिया है इसको पी ऑफ एक्स तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इसके बाद इसको हमें मानना है रिमाइंडर तो ये आ जाएगा पी ऑफ माइनस टू तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू क्यूब प्लस फोर इंटू माइनस टू माइनस फाइव ठीक है माइनस टू का क्यू माइनस एट हो जाएगा ठीक है प्लस फोर इंटू टू डेट इज माइनस एट ये भी हो जाएगा माइनस एट और ये माइनस फाइव तो पहले से ही है भाई एट एट्रेड सिक्सटीन और ये सिक्सटीन और फाइव ये माइनस ट्वेंटी वन आएगा तो रिमाइंडर जो है ना हम भाई हमारा वो बन जाता है माइनस ट्वेंटी वन सो सिंस रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी वन दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो माइनस 21 वन इज नॉट इक्वल टू जीरो देआर फोर दे आर फोर एक्स प्लस टू इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स माइनस ठीक है ये हमारा फैक्टर नहीं है क्योंकि देखो इसका रिमाइंडर क्या है माइनस ट्वेंटी वन है हमारे रिमाइंडर चाहिए जीरो माइनस वन भी नहीं चलेगा और वन भी नहीं चलेगा ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो वन भी नहीं चलेगा तो इसमें ज़ीरो चाहिए एक्यूरेट ज़ीरो ठीक है मुझे पता था कि सबको ये आंसर पता है क्योंकि ऑब्वियसली कि हमने फर्स्ट आंसर कह दिया था कि वो हमारा फैक्टर था तो सेकेंड ऑप्शन होने वाला है नहीं ठीक है तो लास्ट देखेंगे हम एक ठीक है लास्ट सॉल्व करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करना सॉल्व हो गया हो तो एक बार फिर से ये वीडियो देख लेना ठीक है हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा और आपकी नॉलेज देखिए थर्ड क्वेश्चन थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ देखो हमारा यहां पर गिवन है कि एक्स प्लस एक्स प्लस टू इज द फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वा उसके बाद क्या है प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव एम तो ठीक है यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है भाई कि एक्स प्लस टू फैक्टर है है तो है अभी क्यों है हमें पता नहीं ये इस पॉइंट का फैक्टर है हमें फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ एम वैल्यू ऑफ एम कितनी है वो हमें पता नहीं हमें फाइंड करनी है तो हमें मिल चुका है फैक्टर तो so, हम जस्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ठीक है तो पहले हम लेखेंगे गिवन गिवन दैट इज एक्स प्लस टू इज द फैक्टर फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव एम ठीक है सो so, मैंने बोला कि लेट लेट पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव तो मुझे पता है भाई कि ये इसका फैक्टर है तो ये जो होगा माइनस टू यहाँ ये प्लस टू है तो ये यहाँ पर आएगा माइनस टू हो जाएगा पी ऑफ माइनस टू तो इसका रिमाइंडर होगा जीरो इसका रिमाइंडर होगा जीरो तो मैंने बोलिया पी ऑफ माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज रिमाइंडर ऑब्वियसली एक रिमाइंडर है तो आ, हमारा क्या हो जाएगा ये अगर हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया तो देखो देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर वन हाँ और पी ऑफ माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस टू क्यूब माइनस फोर इन टू क्या है यहाँ पर माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री माइनस टू मतलब ये मल्टीप्लाई है हाँ ठीक है उसके बाद माइनस फाइव एम एम के लिए कुछ नहीं है हमारे पास ठीक है तो हमने ये की। ये वैल्यू की हमारा है इक्वेशन नंबर तो मैंने बोला आ, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया तो ये यहां पर जीरो हो गया पी ऑफ माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो तो मैं यहां पर जीरो ले सकता हूं ठीक है तो जीरो इज इक्वल टू ये माइनस टू का क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस एट ठीक है फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस फोर सो माइनस सिक्सटीन ये हो जाएगा माइनस सिक्स और ये क्या है माइनस फाइव ठीक है माइनस फाइव एम तो अभी इस सबको ऐड करो इधर शिफ्ट करो तो ज़ीरो इज इक्वल टू सिक्सटीन फिर सिक्स और ये माइनस फाइव को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी मल्टीप्लाई में है ठीक है तो एट सिक्सटीन और सिक्स को ऐड कर दो हमारी बुक में पहले से ही ऐड करके तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा एट सिक्स सिक्सटीन हाँ ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा थर्टी अभी कैसे होगा मुझे पता नहीं थर्टी माइनस थर्टी हो जाएगा और ये माइनस फाइव एम तो ये ज़ीरो है तो उधर शिफ्ट किया हमने तो ये हो जाएगा प्लस थर्टी सो प्लस थर्टी प्लस थर्टी देट इज इक्वल टू माइनस फाइव एम ठीक है अभी माइनस फाइव को उधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा फाइव वन जो फाइव फाइव जीरो फाइव फिफ्टी फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव जर फाइव सिक्स सॉरी तो ये माइनस सिक्स हो जाएगा सो so, एम की वैल्यू जो हो गई, वो हम हमारी हो गई माइनस सिक्स ठीक है सो so, ये हमारी वैल्यू यहाँ से निकल के आ, आ गई है आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा इफ यू लाइक दिस वीडियो टू दिस चैनल एंड ऑल्सो वॉच द अदर वीडियो ऑफ दिस चैनल ठीक है सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो